दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर शुक्रवार को जाति आवासीय आय बनाने के लिए छात्र छात्राओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आरटीपीएस काउंटर पर 3 फीट की दूरी बनाकर आवेदन जमा किया। बताते चले कि पिछले दिन आरटीपीएस काउंटर पर सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए आवेदन जमा किया जा रहा था, जिसको लेकर पब्लिक ऐप ने प्रमुखता से खबर छाप बनाई थी। वहीं खबर को देखते ही सदर अंचला प्रभारी अंचलाधिकारी प्रदीप झा के द्वारा आरटीपीएस कर्मी को जमकर फटकार लगाते हुए अंचल गार्ड को आदेश दिया कि सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाने के बाद ही आवेदन लिया जाए छात्र छात्रों से। वहीं शुक्रवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवेदन जमा किया गया। सदर प्रखंड के बिजली पंचायत के गौसा घाट स्थित वार्ड संख्या 14 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निषेय योजना के तहत क्रियान्वित पेयजल पूर्ति योजना का उद्घाटन हुआ, जिसमें उपस्थित जिप्सी देवी पंचायत सचिव हरि नारायण यादव, विकास मित्र अर्जुन कुमार राम, वार्ड सचिव दयाराम यादव और अन्य सदस्य एवं प्रतिनिधि राम सुधारी, बिजू राम, भजन चौधरी, लाल बहादुर यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। दरभंगा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा जी और नीट की परीक्षा को रद्द को लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल कुमार झा के नेतृत्व में लहरिया शहर टावर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि राहुल कुमार झा ने कहा कि छात्र छात्राओं और अभिभावक के मांगों के खिलाफ केंद्र सरकार ने जी और नीट की परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। बिहार में कोरोना लॉकडाउन में बंद पड़े जन परिवहन और बाढ़ के कारण आम लोगों को आगमन में परेशानी झेल रही है। परीक्षा में भागीदारी के लिए बिहार के केवल 2 परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा कर छात्र छात्राओं का पहुंचना बहुत मुश्किल है। दरभंगा सदर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव एवं पूर्व प्रमुख सियाराम पासवान के संयुक्त नेतृत्व में स्थानीय दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहबाजपुर पंचायत के मब्बी स्थित महादेव मंदिर प्रांगण में सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं पूर्व प्रमुख सियाराम पासवान ने कहा कि पप्पू यादव जन का मसीहा है, जो बाढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना सहित कई मामले में सबसे पहले पहुंचकर पब्लिक का सुध लेते हैं, तो बिहार का नेता और क्यों होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू का आंधी चलेगी और पप्पू का सरकार बनना तय है। दरभंगा अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से ज्ञापन दिया। वहीं ज्ञापन में राज्यव्यापी विरोध दिवस को माध्यम से महिला संगठन एपवा के द्वारा 28 अगस्त 2020 को दरभंगा के विभिन्न जगहों पर स्वयं सहायता समूह के विरोध दिवस कार्यक्रम करते हुए निम्नलिखित मांगों को समाधान करने के संबंध में पत्र लिखा। बताते चले कि कई जगहों पर
स्वयं सहायता समूह संघ के एपा के विरोध दिवस के माध्यम से निम्नलिखित लिखित मांग संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपा। एमएलएसएम कॉलेज में हॉस्टल और पीजी की पढ़ाई को मांग को लेकर छात्र संघ ने किया डीएसडब्ल्यू का घेराव। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संगठन मंत्री व एमएलएसएम कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष दिवाकर मिश्रा के नेतृत्व में एलएमएनयू के छात्र अध्यक्ष कल्याण अध्यक्ष रतन कुमार चौधरी का घेराव अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में किया गया। इस बाबत दिवाकर मिश्रा ने कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद अब तक छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण नहीं किया गया है। 9000 छात्रों वाले इस कॉलेज में अब तक पीजी की पढ़ाई शुरू नहीं की गई है, जिसका कारण ज़्यादा छात्रों की संख्या इसी कॉलेज में है। बावजूद छात्रों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। इस बाबत एमएसयू और छात्र संघ के नेतृत्व में पिछले 20 अगस्त को कॉलेज परिसर से विश्वविद्यालय परिसर तक अधिकार मार्च निकालकर विश्वविद्यालय को चेताने का काम किया गया था, जिसका कोई भी असर विश्वविद्यालय प्रशासन पर देखने को नहीं मिला, जिस कारण आज कॉलेज निजी काम से आए छात्र कल्याण अध्यक्ष के गाड़ी को घेर कर अपनी मांग मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। दरभंगा जिले के कई अंचल बाढ़ से प्रभावित रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अनुश्रवण एवं दिए गए निर्देश के आलोक में बाढ़ प्रभावित लोगों को त्वरित गति से बढ़ रही राहत पहुंचाई गई, जिनमें सभी प्रभावित गांवों में सामुदायिक किचन का संचालन, निःशुल्क नाव का परिचालन, पॉलिथीन सीट का वितरण, सूखा भोजन पैकेट का वितरण, स्वास्थ्य कैंप की सुविधा, मवेशियों के लिए चारा वितरण, मवेशियों के लिए इलाज के लिए पशु कैंप, पानी चापाकल का संस्थापन, पुराने चापाकलों की मरम्मत, टैंकर व जरी कैन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीम के द्वारा पानी से घिरे गांव की रेकी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाना तथा प्रभावित परिवारों को पीएफएमएस के माध्यम से जीआर की राशि उपलब्ध करवाना शामिल है। दरभंगा जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से जीआर की राशि भेजी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई से जिले में बाढ़ का प्रवेश हुआ और 27 अगस्त तक तकरीबन 4,77,846 परिवारों के खाते में कुल 286,70,76,000 जीआर की राशि भेजी जा चुकी है। दरभंगा नगर निगम तथा बिहार के मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना सहित अन्य योजनाओं का उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। नगर निगम ने उद्घाटन समारोह के अवसर पर निगम के सभागार में भव्य व्यवस्था की, जिसमें नवनियुक्त नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, महापौर बैजंती खैरिया, नगर विधायक संजय सराबगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, निगम पार्षद मधुबाला सिन्हा, नगर अभियंता रतन वर्मा, निगम कर्मी रवि कुमार, नगर उपायुक्त कमलनाथ झा सहित अन्य लोग शामिल थे। दरभंगा नगर निगम के नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने आज पदभार ग्रहण किया। यह पदभार इन्होंने नगर प्रबंधक नागमणि सिंह से लिया, जो नगर आयुक्त के प्रभार में थे। इस अवसर पर नगर अभियंता रतन वर्मा, राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र, मुख्तार अहमद सहित कई निगम कर्मी मौजूद थे। महापौर बैजंती खैरिया ने पुष्प गुच्छ देकर नगर आयुक्त का स्वागत किया। पद ग्रहण करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि शहर की जो भी समस्याएं हैं, जैसे कचरे का उठाव व उसका प्रबंधन, जल जमाव की समस्या, अतिक्रमण सहित जो भी समस्या है, एक एक समस्या को समझकर उसके निराकरण पर काम किया जाएगा। पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के कर कमलों से मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल एवं घर तक पक्की नली नालियां योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिले में 78.38 करोड़ रुपये की लागत से 409 वार्डों में जलापूर्ति योजना का शुभारंभ कराया गया। इन योजनाओं से 64,662 घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है, जिसमें बेनीपुर प्रखंड के 67, बिरौल प्रखंड के 43, घनश्यामपुर प्रखंड के 24, जाले प्रखंड के 42, केवटी प्रखंड के 31, मनिगाछी प्रखंड के 40, सिंहवाड़ा प्रखंड के 26,
सदर प्रखंड के 20, बहादुरपुर प्रखंड के 32, हनुमान नगर प्रखंड के 30, बहरी प्रखंड के 8, हायाघाट प्रखंड के 30 तथा अलीनगर प्रखंड के 5 एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड के 11 वार्ड शामिल हैं। मेयर बैजंती खेरिया पर लटक गया अविश्वास प्रस्ताव का तलवार। अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले पार्षदों ने आधे से अधिक पार्षदों का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया। दरभंगा नगर निगम के मेयर बैजंती देवी खेरिया पर अविश्वास प्रस्ताव का तलवार लटकने लगा है। समान विचार वाले लोगों ने गठबंधन की जगह धनबंधन के तहत कुर्सी पर काबिज महापौर बैजंती देवी खेरिया पर आधे से अधिक पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है, जिससे विभिन्न राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों से लेकर गैर राजनीतिक दल से दूर रहने वाले पार्षद भी हैं। इस क्रम में पार्षद पूजा मंडल, चंद्रकला देवी, अनोखी देवी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा नावों से गांव में राहत वितरण किया गया। मिथिलांचल में भीषण बाढ़ एवं वर्षा में बिहार के लाखों लोगों के लिए भारी मात्रा में योग संस्कृति न्याय दिल्ली एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा 9 से हनुमान नगर प्रखंड के डिलाही काली गांव में राहत सामग्री वितरण किया गया। राहत सामग्री से लदे ट्रक को कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर विदा करते हुए कहा, युग संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा की जा रही विस्थापित परिवारों की मदद मानवता की सेवा है। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। विद्युत स्पर्श घात से एक युवक की मौत। बहेरी नारायण दोहट पंचायत के अमिता गांव में महादलित परिवार के महादेव कुमार मांझी उम्र 24 वर्ष की मौत बिजली के चपेट में आने से हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जागेश्वर महादेव कुमार मांझी तालाब में नहाने के दौरान 11,000 वोल्ट के तार गिर जाने से उनकी मौत हो गई, जिन्हें तत्काल बहेरी PSC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिवार में पत्नी समेत 2 भाई 5 बहन हैं, जो घर का इकलौता कमाऊ सदस्य होने के नाते सभी की स्थिति वर्तमान व भविष्य अंधकारमय हो गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर चिकित्सक प्रभारी BD महतो उसे पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा DMCH भेज दिया गया है। बहेरी PSC प्रभारी ने सूचना दी। सरकार द्वारा सेवा शर्त में ठगे जाने पर शिक्षकों ने जताया सपरिवार विरोध। नियोजित शिक्षकों के लिए जारी सेवा शर्त पर शिक्षकों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शिक्षक सरकार पर यह आरोप मढ़ रहे हैं कि उनकी उपेक्षा करके बिहार के प्रतिभा का अपमान किया जा रहा है। TAT STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के गोप गुट द्वारा राज्यव्यापी विरोध सप्ताह के अंतिम दिन जिला के हजारों शिक्षकों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से बॉयकॉट NDA बिहार असेंबली के इलेक्शन 2020 #hashtag के साथ ऑनलाइन सपरिवार विरोध दर्ज किया। इस मौके पर TAT STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के जिला अध्यक्ष प्रमोद मंडल, उपाध्यक्ष राशिद अनवर, डॉक्टर रणधीर राय, अरुण कुमार, प्रवक्ता धनंजय झा ने बताया कि सरकार शिक्षक और समाज को लाख बरगलाने की कोशिश करे, लेकिन बिहार के शिक्षक और आम आवाम समझ चुकी है कि सरकार अब चुनावी लॉलीपॉप फेंक कर अपने उल्लू सीधा करना चाहती है। शिक्षक अब उनके झांसे में आने वाले नहीं है। आने वाले समय में उनको इनका जवाब देना होगा। दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित RTPS काउंटर पर शुक्रवार को जाति आवासीय आय बनाने के लिए छात्र छात्राओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए RTPS काउंटर पर 3 फीट की दूरी बनाकर आवेदन जमा किया। बताते चले कि पिछले दिन RTPS काउंटर पर सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए आवेदन जमा किया जा रहा था, जिसको लेकर पब्लिक ऐप ने प्रमुखता से खबर छाप बनाई थी। वहीं खबर को देखते ही सदर अंचला प्रभारी अंचलाधिकारी प्रदीप झा के द्वारा RTPS कर्मी को जमकर फटकार लगाते हुए अंचल गार्ड को आदेश दिया कि सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाने के बाद ही आवेदन लिया जाए छात्र छात्रों से। वहीं शुक्रवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवेदन जमा किया गया।
सदर प्रखंड के बिजली पंचायत के गौसा घाट स्थित वार्ड संख्या 14 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निषेय योजना के तहत क्रियान्वित पेयजल पूर्ति योजना का उद्घाटन हुआ, जिसमें उपस्थित जिप्सी देवी पंचायत सचिव हरि नारायण यादव, विकास मित्र अर्जुन कुमार राम, वार्ड सचिव दयाराम यादव और अन्य सदस्य एवं प्रतिनिधि राम सुधारी, बिजू राम, भजन चौधरी, लाल बहादुर यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सदर प्रखंड अंतर्गत सिसो पूर्वी, सिसो पश्चिमी, सारा मोहम्मदपुर, बिजली, शहबाजपुर, मुरिया सहित दर्जनों पंचायत के सैकड़ों वार्ड में आज सात निश्चय योजना के तहत जल नल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। बता दें कि सदर प्रखंड के 23 पंचायत के सैकड़ों वार्ड में जल नल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। वहीं इस शुभारंभ में सभी वार्ड सदस्य द्वारा फीता काट कर इस जल नल का शुभारंभ किया गया।